दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे हाउ इलेक्ट्रिकल डॉल स्टार्टर वर्क्स। इलेक्ट्रिकल में डॉल स्टार्टर काम कैसे करता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल कैसे रहता है, इसके बारे में आज थोड़ा हम लोग जानकारी लेंगे या नॉलेज लेंगे। दोस्तों डॉल स्टार्टर का फुल फॉर्म हो गया दोस्तों डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। डॉल स्टार्टर मेनली दोस्तों टू टाइप्स का होता है दोस्तों। एक हो गया दोस्तों डॉल स्टार्टर कंट्रोल सर्किट, दूसरा हो गया दोस्तों डॉल स्टार्टर पावर सर्किट। इंडक्शन मोटर में दोस्तों ये जो डॉल स्टार्टर होता है दोस्तों थ्री फेज सप्लाई के साथ डायरेक्टली दोस्तों कनेक्टेड रहता है। डायरेक्टली कनेक्टेड रहने के बावजूद भी दोस्तों मोटर का कोई हार्म नहीं होता है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों डॉल स्टार्टर के अंदर दोस्तों प्रोटेक्शन डिवाइस भी रहता है। दूसरी तरफ दोस्तों कंट्रोल सर्किट जो होता है कोई भी दो फेस से दोस्तों कनेक्टेड रहता है, और उसी से दोस्तों ये जो कंट्रोल सर्किट होता है एनर्जाइज्ड होता है, मतलब दोस्तों एनर्जी गेन करता है। हम लोग जब दोस्तों ये स्टार्ट बटन प्रेस कर देते हैं तब दोस्तों कॉन्टेक्टर कॉइल और कंट्रोल सर्किट के थ्रू दोस्तों ये करंट फ्लो होता है। कॉन्टेक्टर कॉइल को हम लोग दोस्तों मैग्नेटाइजिंग कॉइल भी कह सकते हैं। ये जो डॉल स्टार्टर होता है दोस्तों मोटर में दोस्तों लो पावर रेटिंग के लिए यूज किया जाता है। डॉल स्टार्टर की वजह से दोस्तों ये जो हाई करंट होता है मोटर का जो वाइंडिंग होता है उसको डैमेज नहीं कर पाता है। ये जो डॉल स्टार्टर होता है दोस्तों स्मॉल वाटर पंप्स में यूज किया जाता है, बेल्ट कन्वेयर्स में यूज किया जाता है, कंप्रेसर में यूज किया जाता है और दोस्तों फैंस में भी यूज किया जाता है।